अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 नवंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों हम आपको पहले ये बताएंगे कि DLED द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर एडमिट कार्ड 2020 लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, आज से ही आपका एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि परीक्षा को लेकर छात्रों में टेंशन बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप भी काफ़ी टेंशन में होंगे, स्पेशली 2019 बैच के छात्र। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी तो क्या हमें फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि 2018 बैच के जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है, सिर्फ वही बच्चे प्रमोट हुए हैं जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों में पास हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रमोट किया गया है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल था या एक विषय में भी बैक थी तो उनको प्रमोट नहीं किया गया। एक बात और है कि सभी विषयों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 से अधिक विषय में फेल होने पर सेमेस्टर बैक होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आप सोचते हैं दोस्तों हमारी 3 विषय में बैक लग गई या फेल होते हैं तो फिर क्या होगा, उसका मतलब यही होगा दोस्तों आपको सेकेंड सेमेस्टर का पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा। एक और सवाल आपका कि कैसे याद करें, सब कुछ भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम में आपके साथ ऐसा ज़्यादा होता होगा, याद करते जा रहे हैं पीछे से सब कुछ भूलते जा रहे हैं। ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो DLED प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की डेट शीट 2020। तो फिलहाल दोस्तों प्रथम को अब हटाते हैं क्योंकि हमारा प्रथम सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर आज से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। कल 2-3 दिन के बाद दोस्तों हमारा द्वितीय सेमेस्टर का मतलब 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा। फिर 4 सेमेस्टर समय है थोड़ा सा आपके लिए, आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट को हम देखेंगे। पहले ये अपडेट को देखते हैं। DLED प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। DLED प्रशिक्षण द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 के प्रवेश पत्र दिनांक 2 नवंबर 2020 तथा DLED प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2020 के प्रवेश पत्र 4 नवंबर 2020 को सायंकाल से डायट या निजी संस्थानों के लॉगिन पर वेबसाइट पर दोस्तों यहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे डायट या निजी संस्थानों मतलब प्राइवेट कॉलेज के प्राचार्य डाउनलोड करेंगे। निजी संस्थानों द्वारा प्रवेश पत्र प्राचार्य डायट से हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कराने के उपरांत निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों आज आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पर, आज ही आपके कॉलेज वाले इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो जो आपके दोस्तों मन में था ना कि सेंटर हमारा कहां पर गया होगा, उसकी सारी कंफ्यूजन आज आपकी खत्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको अपने सेंटर की लिस्ट डाउनलोड करनी, तो दोस्तों उसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उसके माध्यम से दोस्तों आप लोग अपने सेंटर की लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे कि आपका जो सेंटर है वो आपके जिले में बना है कि कहीं दूसरे जिले में तो नहीं चला गया। ऐसे काफ़ी सवाल आपके मन में हो सकते हैं, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखिए कुछ और सवाल थे आपके जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले कि 2 से अधिक विषय में फेल होने पर सेमेस्टर बैक होता है, 2019 बैच के छात्र इसको जरा ध्यान रखिएगा गाइस आप लोग। और एक आपका सवाल ये भी था कि अगर हमारी एक भी बैक लग गई, एक भी विषय में हम फेल होते हैं तो क्या हमें प्रमोट माना जाएगा कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में वापस डाल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग फिलहाल अब प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है, अब आपको प्रमोट करना नहीं, जो होना तो हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अब पीछे नहीं किया जाएगा क्योंकि 18 बैच में यह था कि उनको प्रमोट नहीं किया गया था। अब 18 बैच के छात्रों को प्रमोट करके उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वैसे दोस्तों जो बच्चे DLED 2019 बैच के हैं, अब आपको प्रमोट कर दिया गया तो आपको पीछे डालने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप प्रमोट ना हुए होते तो बात अलग थी, आप प्रमोट होकर सेकेंड सेम का पेपर दे रहे तो अब आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे आपको नहीं जाना है। तो हाँ, लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है, अब आपके मन में सवाल होगा जो सबसे कठिन विषय है आपका गणित, यार इसमें हम फेल होंगे तो क्या होगा। देखिए गाइस, कभी कभी गलती हम क्या कर जाते हैं कि एक विषय को बचाने के चक्कर में सारे विषय हम खराब कर देते हैं। देखिए वो क्या रहे, इस समय सभी बच्चे ना गणित को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। ठीक है, आप गणित की प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा भी देखना है, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को भी देखना है, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी,
हिंदी दोस्त आपका एक आसान सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश भी आसान हो सकता है क्योंकि आपने इंग्लिश अगर पहले पढ़ा होगा तो। बाकी हिंदी सभी बच्चे पढ़े होंगे, सामाजिक अध्ययन ये एक आसान सब्जेक्ट में से है। विज्ञान खाली दोस्तों पहले दिन के जो दो पेपर होंगे वही आपको कुछ नया लग सकता है, बाकी सारे पेपर आपके पुराने हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है गाइस और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप दो विषय में फेल होते हैं तब तक ओके। देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर देना अगर आपकी बैक लग जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, शुरुआत में बच्चों की बैक लग जाती है क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया होता है तो आपके पास एक अच्छा अनुभव होता है कि कैसे पेपर दिया जाता है। और सीधे आपको दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में डाला गया, इसका मतलब आपको एक बात और बता दें, जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का पेपर आता है वो आसान नहीं आता है। आप फर्स्ट से सेकेंड में आ गए तो मतलब है पेपर का लेवल भी तो बढ़ जाएगा ना, पेपर आसान तो बनाएंगे नहीं। अगर पेपर आसान बना देते तो आपके लिए सारा काम आसान हो जाता, तो गाइस आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों बढ़िया वाली मेहनत करनी है, गणित के साथ साथ सभी विषयों पर अब ध्यान दीजिए आप लोग, सिर्फ गणित के चक्कर में मत रहिए। हम कहते हैं चलिए ठीक है आपकी गणित में बैक आ भी जाती तो बाकी सारे विषय तो आप पास कर लेंगे ना, पता चले दोस्तों आप लास्ट टाइम भी लास्ट दिन तक गणित ही गणित में लगे हैं, बाकी और विषय खराब गए तब क्या करेंगे आप, इसको भी आपको सोचना है। तो सभी विषयों को दोस्तों ध्यान में रखकर चलिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब चतुर्थ सेमेस्टर की दोस्तों बात कर ले तो भाई इन बच्चों के लिए करो या मरो वाली हालत है, क्योंकि अगर ये बच्चे यहाँ से एक भी विषय में अपनी बैक लाते हैं तो इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका रीजन बता दे दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती से ये बच्चे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सुपर टेट का नियम होता है ना कि जब सुपर टेट के लिए आप आवेदन तभी कर पाते हैं जब आपकी एक भी बैक नहीं होनी चाहिए। अब ये बच्चे भाई अपना फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, इनको मौका तो मिलेगा नहीं दोबारा, तो इनको जो अपनी मेहनत करनी है वो 3 गुना 4 गुना 100 गुना बढ़ा देनी, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट टाइम अब ये पेपर देंगे बच्चे। तो अगर गाइस आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसको जरा ध्यान रखिएगा कि आपको सुपर टेट का पेपर भी देना, अगर आपकी गलती से भी एक विषय में बैक आ गई या फेल हो गए अगर आप एक भी विषय में, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, 1 साल आप पीछे हो सकते हैं। हाँ एक उम्मीद आपकी जा सकती है कि जागेगी कि 2018 बैच के छात्रों को जिनकी बैक थी उनका पेपर मतलब फोर्थ सेमेस्टर का हो सकता है कि जनवरी लास्ट में कराया जाए, तो हो सकता है कि इनकेस अगर आपकी बैक लगे तो आपको वहाँ मौका मिल सकता है। तो लेकिन दोस्तों इतना आपको सोच कर नहीं चलना है, पूरी मेहनत करिएगा, आपके पास अच्छा खासा अनुभव एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप लोग हिंदी अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। देखिए दिक्कत सिर्फ गणित विषय में होती है सभी बच्चों को, बाकी सभी विषय आसान हम कह सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। जितना आप लोग गणित को समय देते हैं अगर आप उतना दोस्तों बता रहे हिंदी जैसे सब्जेक्ट को दे देना तो हो सकता है कि आप हिंदी में 25 में से 25 नंबर बना दें। हम गणित को दोस्तों भले आप समय बहुत देते हैं लेकिन 12 नंबर बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हिंदी जैसे सब्जेक्ट को आप दे समय तो आपकी एक अच्छी खासी परसेंटेज भी बन सकती है। वर्तमान भारतीय समाज में भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट दोस्तों आपके ऐसे हैं जिसमें आपको 50 में से 25 नंबर नहीं लाने, ऐसे विषयों में दोस्तों आप 50 में से कम नहीं तो 45 प्लस की सोचिए। जी हाँ दोस्तों 25 नंबर हम आपके पासिंग मार्क बता रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे होते हैं ना सोचते हैं चलो कैसे ना कैसे हम पास हो जाए पहले उसके बाद देखेंगे। गाइस तो कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी परसेंटेज को भी बढ़ाएंगे, आपको फ़ायदा भी तो लेना आगे चलकर दोस्तों, आपको 90% भी तो दिखाना। आपको एक बात और बता दें, अगर आप ऐसा सोचते हैं चलो इस बार हमें समय नहीं मिल पाया अगली बार हम तीर मार देंगे, अगली बार भी दोस्तों ऐसा ही रहेगा, लास्ट टाइम ही आप पढ़ाई करेंगे। सभी बच्चे पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं और एक अच्छा स्कोर कर जाते हैं, कुछ बच्चे तो पेपर की एक रात में ही पढ़ के मतलब अच्छा खासा नंबर ले आते हैं। तो गाइस समय है अभी आपके पास, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करिए, अच्छी वाली पढ़ाई करिए और एक अच्छा नंबर लाएंगे तो फिर मज़ा आने वाला है। तो लग जाइए दोस्तों जी जान से, और जो भी अपडेट्स आएंगे DLED की सारी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज शाम से आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखिए मेन बात यह था कि आपको एडमिट कार्ड का ये पहले पता चलना चाहिए कि सेंटर आपका कौन से कॉलेज में गया है, जब आप सेंटर जान जाएंगे तो आधी टेंशन तो 50% टेंशन आपके दोस्तों ख़त्म हो जाएगी, जब तक आप सेंटर नहीं जानते तभी तक दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो गाइस लग जाइए, मेहनत करिए, बाकी जितनी भी अपडेट्स आएंगी हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, लेकिन एक बात और कर देते हैं वीडियो के अंत में, कैसे याद करें सब कुछ भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों सभी बच्चों का एक ही सवाल था, देखिए गाइस पेपर का समय ना टेंशन के कारण आप बहुत से क्वेश्चन को भूलना शुरू कर जाते हैं, तो आप लिख कर याद करिए।
देखिए, अगर आप हिंदी को भी गाइस आपको पढ़ना है ना, तो हिंदी को भी रट्टा मत मारिए, कम से कम एक कॉपी, रफ कॉपी दोस्तों लेकर बैठिए, और एक रफ कॉपी कम से कम एक विषय के लिए खत्म करिए। मतलब आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में, तो 7 रफ दोस्तों जाकर ले आइए, 10-10 रुपये वाले, 15-15 रुपये वाले, और इतना आपको लिखना है कि एक दिन में या 3-4 घंटे में पूरी रफ वो फुल हो जाए, ठीक है। इतना ज़्यादा दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आए ना जो आप पढ़कर गए, तो बिना कुछ सोचे समझे आप उस प्रश्न को हल कर सकें। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है गैस, तो यकीन मानिए आते वाले क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाएंगे, जो क्वेश्चन आप पढ़ कर गए वो भी भूल जाएंगे। अगर आपके पास एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है, तो आपने जिन जिन प्रश्नों का अभ्यास भी नहीं किया होगा, जिन क्वेश्चन को कभी देखा भी नहीं होगा, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप आ जाएंगे, चाहे वो हिंदी का विषय हो, चाहे दोस्तों वो गणित का विषय हो, चाहे इंग्लिश का विषय हो, ठीक है। मेहनत आपको करनी है, टेंशन नहीं लेना है, एडमिट कार्ड दोस्तों आज से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल आप पहले अपनी कंफ्यूजन दूर करिए कि आखिर आपका जो सेंटर है वो किस कॉलेज में गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। PNP की भी जितनी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी गाइस, वो हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे।